नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके पास हाजिर हैं। वेलकम टू डिजिटल क्लास, फिर से एक बार आपको स्वागत करते हैं एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस रिक्वायरमेंट 2017 के बारे में, जो सब इंस्पेक्टर के लिए निकाला हुआ वैकेंसी, इसी के विषय में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहे अंतिम तक और जानते हैं कि जो बिहार पुलिस जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट निकला हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, कितने फ़ी चाहिए, कितने सैलरी मिलेगी, कम्प्लीटली आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, बशर्ते इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें, और पसंद लगे तो लाइक करें और ना पसंद लगे तो डिसलाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी का डिटेल में जाते कि वैकेंसी का डिटेल में क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट में क्या क्या। तो नेम ऑफ पोस्ट में दिया ही है पुलिस सब इंस्पेक्टर दिया ही है। नेक्स्ट जो टोटल इसमें वैकेंसी का सीट निकल के आ रहा है, टोटल पोस्ट इसमें 1717 मतलब 1717 पोस्ट इसमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो इसमें सैलरी 34,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाला है, 34,000 प्लस आपका सैलरी जाएगा। नेक्स्ट इसमें एग्जाम का जो फी होगा, OBC हो, मेल हो, फीमेल हो या जनरल हो, इसमें टोटल जो 700 रुपया आपको लगेगा, और ST और SC कैंडिडेट के लिए 400 रुपया फ़ी लगेगा एग्ज़ाम फी। नेक्स्ट दिया गया एज लिमिट। एज लिमिट जो होता है, कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी बिटवीन 20 से 27 साल के बीच होना चाहिए इसका एज, मेल कैंडिडेट के लिए, और 40 ईयर्स फॉर BC EBC मेल कैंडिडेट जनरल अन रिजर्व BC EBC कैटेगरी ऑफ फीमेल, 42 ईयर्स फॉर SC ST मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एज ऑन 1/1/2017, यानी कि फीमेल के लिए 42 साल होना चाहिए और मेल के लिए होना चाहिए 40 साल। और एज रिलैक्सन जो ST SC के लिए दिया जाता है, OBC के लिए जो दिया जाता है, जो रूल्स है उसी के रूल्स के हिसाब से मिलेगा आपको। OBC के लिए 3 साल, ST SC के लिए दिया जाता है 5 साल, वो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन ने, तो कम से कम मैट्रिक पास इसमें होना चाहिए, हाइस्ट क्वालिफिकेशन जितना भी आपके पास चलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, इसमें सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो सिलेक्शन दो माध्यम से किया जाएगा, एक प्रीलिम का एग्जामिनेशन होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा जो होगा आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें 3 एग्जामिनेशन आपको पास करना पड़ेगा। इसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो हाउ टू अप्लाई, आपको जो है वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर आपको जाकर इसका फॉर्म को ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट अगर बात करते तो लास्ट डेट 31/11/2017 को, वो अप टू 5 बजे तक आपको इस वैकेंसी को भर देना है, 5 बजे तक इस वैकेंसी को आपको अप्लाई कर देना है। आपका वेबसाइट है bpssc.bih.nic.in। अब बात करते हैं इसका वेबसाइट में, हम लोग थोड़ा सा इंटर करके जाते हैं bpssc.bih.nic में, उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग के पास रखा हुआ इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें साइट में जो नोटिफिकेशन आया, एक नज़र नोटिफिकेशन पर डालते हैं, चलिए साइट पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्विस कमीशन जो है bpssc.bih.nic.in पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिफिकेशन दिया है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका ऑफिशियल PDF जो है डाउनलोड कर चुके हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल जो PDF था उस पर भी बात कर लेते कि नोटिफिकेशन में क्या कहता है। नोटिफिकेशन में जो हम आपको शुरू में बताए वही नोटिफिकेशन में सेम मैटर लिखा हुआ, मैंने क्या किया शॉर्ट करके बता दिया, यहाँ पर आपको डिटेल लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ बिहार पुलिस बल में 2017 में पुलिस अवर निरक्षरोही पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना पत्र, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आवेदन, यानी कि इसका जो फॉर्म होगा ऑनलाइनेशन होगा, और इसका लास्ट डेट होगा 30/11/2017, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसमें लिखा हुआ बिहार पुलिस जो सरकार जो है वेतन रहेगा 9300 से स्टार्ट होगा, और 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200 की रिक्तियां हो गए। और इसमें जो वैकेंसी होगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1717 जो हम पहले आपको बता दिए, इसका स्टार्टिंग हो रहा है 24/10/2017 से स्टार्टिंग किया जा रहा है, 24/10/2017 से स्टार्टिंग किया जा रहा है। बाकी जो है फ़ी के बारे में बताइए, जो हम ऑलरेडी आपको शॉर्ट में बता दिए हैं, ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टोटल चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया, कैसे भरने का प्रोसीजर है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, सब सारा यहाँ पर एडुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ दिया जा रहा है। तो इसका जो है सिलेबस के बारे में अगर तो बात करते हैं, तो इसका सिलेबस जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, इसका जो है सिलेबस क्या होना चाहिए, इसका कट ऑफ मार्क क्या आएगा, इसमें सिलेबस में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये सब सारे बातें आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, और ना पसंद लगे तो डिसलाइक करें, और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें ताकि इसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आई होप आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।